नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए नजर डालते हैं राजस्थान की खास खबरों पर। सोई हुई भजनलाल सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस ने दिया कलेक्टरों को ज्ञापन। बढ़ती महंगाई की रोकथाम सहित 10 मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रदान किया। उदयपुर में आदमखोर पैंथर का आतंक। आदमखोर पैंथर के हमले में 7 लोगों की मौत। ह्यूमन किलर लेपार्ड को सशर्त गोली मारने के आदेश, पहले ट्रैंक्यूलाइज करने के होंगे प्रयास। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही लागू होगी राजस्थान वाली योजनाएं। अशोक गहलोत बोले, खट्टर को चुनाव प्रचार से दूर किया, बीजेपी राज की पोल खुली। अभिनेता गोविंदा को गोली लगी, तब जयपुर में थी पत्नी सुनीता। खाटू श्याम जी के दर्शन करने आई थी, सुबह 5 बजे मिली सूचना, मुंबई लौटी। महिला सुरक्षा में जयपुर पुलिस का प्रयास, बालिका एवं महिला सुरक्षा जन जागरूकता के लिए ऑपरेशन गरिमा अभियान की शुरुआत। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। जिला अध्यक्ष बोले, 10 महीने बाद भी बीजेपी कोई काम नहीं करवा पाई, फसल खराबे का किसानों को दिया जाए उचित मुआवजा। 119वां वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण सत्र उद्घाटन समारोह। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, राजस्थान में अगले साल से पेश होगा ग्रीन बजट। भीलवाड़ा में तालाब में डूबने से भाई बहन की मौत, मवेशी निकालने के दौरान हुई घटना। राइजिंग राजस्थान, डीग जिले में अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश तैयार। जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान 2024 के लिए डीग जिला पूरी तरह से तैयार। AGTF की सूचना पर मारवाड़ की कुख्यात बिच्छू गैंग व CR गैंग के 2 सक्रिय सदस्य मादक पदार्थ की तस्करी करते भीलवाड़ा में पकड़े गए। 6 लाख कीमत का 37.366 किलो अफीम, डोडा चूरा सहित स्विफ्ट कार जब्त। NDPS आर्म्स एक्ट के अतिरिक्त लूट, डकैती, फिरौती वसूलने जैसे 18 मुकदमे हैं दर्ज। दौसा में बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंताओं में वेतन विसंगति, पदोन्नति न होने से आक्रोश, प्रदर्शन किया। दौसा में भजनलाल सरकार की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेसियों ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। बयाना में ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होने से सड़क पर नीचे गिरकर बाइक सवार महिला की मौत, सिर में गंभीर चोट लगने से महिला ने मौके पर तोड़ा दम। राजस्थान में फिर महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। तेल गैस कंपनियों ने एक सिलेंडर पर 48.50 रुपए बढ़ाए, लगातार 7वें महीने कीमतों में बदलाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर शुभकामनाएं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। भरतपुर के कार्तिक बने राजस्थान अंडर 19 टीम के कप्तान, 5 मैच के लिए बनाया गया कप्तान। 4 अक्टूबर से दिल्ली में होगी शुरू विनू माकड़ ट्रॉफी। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर के हमारा ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।